हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शेमरॉक आदर्श। आज हम क्लास 10 की जो हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये चैप्टर चल रहा था हमारा। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से जो नंबर्स हैं, नीचे जो सिचुएशंस दी हुई हैं, वो कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेक करती है, कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं और क्यों बनाती है, रीजन भी बताना है। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेयर द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपीज है, एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एडिशनल किलोमीटर का किराया है 8 रुपए, यानी पहले किलोमीटर का किराया 15 और नेक्स्ट किलोमीटर का किराया हो जाएगा, मतलब हर किलोमीटर का 8 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है इस पार्ट को हम समझेंगे, फर्स्ट पार्ट को, क्या ये एपी बनाता है आपने बताना है। तो ये कह रहा है कि द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कितना है बच्चे, वो है 15 रुपीज फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज रुपीज 15, ठीक है, और नेक्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर फॉर द एडिशनल किलोमीटर, यानी आगे जितना भी जाएगा वो है रुपीज 8 पर किलोमीटर। अब पहले किलोमीटर का किराया तो हो गया 15 रुपये। अब नेक्स्ट किलोमीटर, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को 2 किलोमीटर जाना है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो उसको पे करना पड़ेगा 15 रुपये और सेकंड किलोमीटर के लिए पे करना पड़ेगा 8 रुपये, यानी कितना हो गया टोटल, सेकंड दूसरे 2 किलोमीटर का किराया होगा 15 प्लस 8। अगर किसी को 3 किलोमीटर जाना है तो उसका किराया हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8, क्योंकि पहले किलोमीटर का 15 रुपीज, नेक्स्ट किलोमीटर का 8 और अगले किलोमीटर का भी कितना होगा, 8 रुपीज होगा। इसी तरीके से अगला, अगर 4 किलोमीटर किसी को जाना है तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। किसी को 5 किलोमीटर जाना है तो वो हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यानी आगे हर किलोमीटर का 8 रुपये लगेगा, पहले किलोमीटर का केवल 15 रुपीज होगा। तो अब ये कितना आ गया किराया, एंड सो ऑन, इसी क्रम में वो चलता रहेगा। तो पहले किलोमीटर का तो हो गया 15, 2 किलोमीटर का कितना हो गया 15 प्लस 8 कितना आ गया बच्चे, 23। नेक्स्ट का कितना हो गया, 23 में 8 और ऐड कर देंगे कितना आ गया, 31। फिर कितना हो जाएगा, 31 में 8 और ऐड करेंगे तो ये हो गया 39। फिर आ जाएगा 39 में 8 और ऐड कर देंगे तो 47, और एंड सो ऑन, नेक्स्ट किलोमीटर का किराया इसी तरीके से चलता रहेगा। अब आपको बताना है क्या ये अर्थमेट, ये जो सीक्वेंस आपके सामने है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसके अंदर जो टर्म्स होती हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे चलती रहेंगी। तो जो टर्म्स हैं वो, उनमें सेम कॉन्स्टेंट, यानी कि सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इनका डिफरेंस जो है ना, आप देखेंगे सेकंड और फर्स्ट टर्म का कितना है, 8 का डिफरेंस है, यानी इसमें 8 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इसमें 8 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, यानी डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो कितना है, 8 है। तो सो द गिवन सिचुएशन ये क्या कर रही है, एपी बना रही है, गिवन सिचुएशन फॉर्म है, फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो बस ये आपका प्रूव हो गया, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है ना सारी टर्म्स का क्या है, इक्वल है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब हम चलेंगे इसी का सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4
ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट ए टाइम। कह रहा है जितनी भी एयर सिलेंडर में बची हुई है उसका हर बार 1/4 जो है वो रिमूव कर देता है एक सिलेंडर, 1/4 जो है वैक्यूम जो है उसको रिमूव कर देता है एयर को। तो आपने बताना है कि क्या ये सिचुएशन जो दी हुई है ये मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब मान लीजिए सिलेंडर के अंदर जो है, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सिलेंडर में मान लीजिए आपकी जो एयर है वो मान लिया हमने कि वो एक्स है, एयर जो है वो कितनी मान ली हमने एक्स है। हर बार वो वैक्यूम पंप रिमूव कर देता कितनी, 1/4 एयर को, यानी इसका 1/4 रिमूव कर दिया तो अगली बार कितनी बचेगी, एक्स में से इसी का 1/4 × x, तो कितनी बची एयर बचे, ये आ गई इज इक्वल टू आपकी 4 एलसीएम लेकर के 4 × 4 में से बन गया 3/4 x। अब अगली बार फिर इसने रिमूव कर दी इस 3/4 का 1/4, तो 3/4 x इसी का 1/4 माइनस कर देंगे 1/4 × 3/4 x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 3/4 x माइनस 3/16, 4 × 4 = 16 x। तो ये आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया 16, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12 x, और 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया थे, 3 बचेगा 3x, यानी कि ये आ गया आपका 12 में से 3 गया तो 9x/16। अब उसके बाद कितनी बचेगी, इसका 1/4 रिमूव कर देगा, यानी 9x/16 एयर है सिलेंडर में, इसी का 1/4, 9/16 x का 1/4 उसने फिर जो है रिमूव कर दिए यार, तो इसका 9/4 निकाल लेंगे तो ये हो गया 9/16 x माइनस, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 9 × 9 = 16 × 4 = 64 x, तो ये कितना बच गया, एलसीएम आ जाएगा 64, तो 16 से 4 × 4 = 36 x, माइनस 64 से 64 कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 एज इट इज आएगा तो 9 x, ये बच गया आपका 36 में से 9 माइनस होगा तो ये आ गया 27/64 x। तो देखो क्या ये एपी बन रही है, फर्स्ट टर्म आपकी होगी एक्स, सेकंड टर्म होगी 3/4 x, थर्ड टर्म होगी 9x/16 एंड फोर्थ टर्म आ गई ये, और इसी क्रम में वो आगे चलती रहेंगी। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है, इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को माइनस करेंगे और ये फोर्थ टर्म है इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। क्या ये, अगर ये डिफरेंस आपका इक्वल आता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, अदरवाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी। तो ये इसका डिफरेंस हम चेक करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे द गिवन सिचुएशन नॉट फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रही है। तो इस तरीके से आपका पार्ट टू कंप्लीट हो जाता है। पार्ट नंबर 3 देखेंगे बच्चे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुआ खोदने की कॉस्ट जो है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर की कॉस्ट कितनी है कुआ खोदने के लिए, वेल को खोदने के लिए 150 रुपीज है एंड राइजेज बाई रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ जाती है। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि पहले मीटर की कॉस्ट कितना है 150, अगर हमने 2 मीटर वेल को खोद रहे हैं तो 50 रुपए और बढ़ जाएंगे, यानी 150 + 50 है दूसरे मीटर की आगे। 3 मीटर अगर खोदना है तो 150 + 50 + 50, ये 3 मीटर की कॉस्ट हो जाएगी, और अगर 4 मीटर खोदना है तो 150 + 50 + 50 + 50 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। तो ये क्या आ गया बच्चे, पहले मीटर के लिए 150 कॉस्ट आ गई, दूसरे के लिए कितनी होगी ऐड करेंगे तो 200, तीसरे के लिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 250, फोर्थ चार मीटर की हो जाएगी आपका 300, इसी तरीके से अगले की क्या आएगी 50 रुपये फिर उसकी बढ़ जाएगी, इसी तरीके से वो बढ़ती जाएगी। तो आप ये देखो ये एपी बन रही है, क्योंकि इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ तो 50 आएगा, इस थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करूँगा तो 50 आएगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड को माइनस करूँगा तो 50 आएगा,
और फिफ्थ टर्म में से फोर्थ को माइनस करूंगा तो भी 50 आएगा, यानी डिफरेंस जो है वो हर जगह क्या है, इक्वल है, 50 है। तो सो द गिवन सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन दी हुई है वो मेक्स एन एपी, गिवन सिचुएशन मेक्स एन एपी, ये आपका आ गया आंसर, मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चे, अब हम देखेंगे इसी का पार्ट नंबर फोर, नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रहा है कि 10,000 रुपये एक अकाउंट में जमा किए हैं किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो है 8% पर एनम, ईयरली है 8%। तो देखो पहले साल जो है जो इंटरेस्ट, ये कह रहा है अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट, और वो अमाउंट बताना है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, मेक कर रहा है। तो हम अमाउंट निकाल लेंगे, पहले साल का अमाउंट निकाल लेंगे। देखो ये प्रिंसिपल हो गया 10,000, आपका प्रिंसिपल 10,000 है, रुपीज 10,000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 8% पर एनम, और टाइम तो जैसे पहले साल का है तो 1 हो जाएगा, अगले साल का है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें, ये आ गया आपका पहले साल के लिए अमाउंट क्या हो जाएगी, अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, जब कंपाउंड पर एनम, कंपाउंड एनुअली कह रहा है ये, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर टाइम, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम। तो ये क्या आ गया अमाउंट आपका, पहले साल के लिए क्या आएगा, पहले साल के लिए हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर टाइम, तो 1 ही होगा। अब दो साल के लिए अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम 2 हो जाएगा। तीसरे साल के लिए, तीन साल के लिए क्या हो जाएगी, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 तीन साल के बाद अमाउंट इतनी हो जाएगी, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब आपने बताना क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो ये 4 से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 4 टू जा 8 और 4 से ये कट गया, 25 4 जा 100, तो ये 25 बन जा 25 टू जा 25 का इससे मल्टीप्लाई किया और 2 इसमें ऐड किया, 27 आ गया। तो ये आ गया 10,000 इंटू 27 अपॉन 25, और नेक्स्ट हो जाएगा 10,000 इंटू 20, ये कट के वही आएगा 4 से 2, 4 से 25, 27 अपॉन 25 रेज टू पावर टाइम 2 है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, और इसी तरीके से आपका नेक्स्ट भी क्या आ जाएगा, वही 27 अपॉन 25 आएगा, 20 ये 3 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और जब 4 साल के बाद अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे तो वो 4 टाइम हो जाएगा, एंड सो ऑन। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका इनका डिफरेंस जो है ना इक्वल नहीं होगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो जितना आना चाहिए उतना ही यहाँ से आना चाहिए तो वो एपी बनेगी, अदरवाइज आपकी एपी नहीं बनेगी। तो ये आप खुद ट्राई करके देखना, इसको कैलकुलेशन करके, ये मेरे हिसाब से एपी नहीं बनेगी, नॉट एन एपी। बाकी आप चेक करेंगे इसको, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताएंगे, कैलकुलेशन है ये आप खुद कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके चारों पार्ट जो है कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।